सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। अगर आपको मेरे चैनल की वीडियोस और फैन फिक्शंस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर नहीं करा हुआ है। और जो लोग हर बार की तरह वापस आए हैं, जो मेरे चैनल के रोज़ मतलब सब्सक्राइबर हैं, उन्हें वेलकम बैक गाइस। आकर इतना प्यार देने के लिए, इतने प्यारे प्यारे कमेंट करने के लिए, मेरी वीडियो को इतना प्यार दिखाने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। लास्ट फैन फिक्शन में इतना प्यार दिखाया कि मेरा मन भर गया, बीमारी भी एक मिनट में जैसे मुझसे दूर भाग गई हो। इतना मज़ा आता था आप लोगों के कमेंट पढ़ने में। ऑल दो मैं रिप्लाई नहीं कर पाती थी, लेकिन अब कोशिश करूँगी रिप्लाई देने का। इस फैन फिक्शन से मैं अटैम्प्ट कर रही हूँ कि मैं सबके कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर करूँ। तो आप मुझे कमेंट ज़रूर किया कीजिए और वीडियो को लाइक तो आप ज़रूर ही करेंगे, मुझे पता है। चलिए आज से हम एक न्यू फैन फिक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। ये फैन फिक्शन एक मॉडर्न फैन फिक्शन है। इस फैन फिक्शन में आपको ओमेगा और अल्फा जैसे टर्म सुनने के लिए नहीं मिलेंगे। यहाँ पे आपको गे जैसे टर्म सुनने के लिए मिलेंगे। ये फैन फिक्शन अभी करंट जो टाइम चल रहा है उसी पे बेस्ड है, यानी कोई 90s 80s वाला टाइम नहीं है, एक प्रॉपर मॉडर्न फैन फिक्शन है। चलिए फैन फिक्शन को स्टार्ट करते हैं। फैन फिक्शन के बारे में मैं आपको दो तीन बातें एडवांस में बता देती हूँ। इस फैन फिक्शन में आपको थोड़े बहुत फ्लैशबैक्स भी सुनने के लिए मिलेंगे। इस फैन फिक्शन में वी एक डॉक्टर है, यानी डॉक्टर वी वुशान, और वांग जी एक पुलिस ऑफिसर है। जी हाँ, हमारे डॉक्टर और पुलिस की लव स्टोरी है ये। लेकिन बिल्कुल भी इसे सन की तरह मत सोचिएगा, ये वो नहीं है। ये बिल्कुल अलग स्टोरी है। इस स्टोरी में आपको दिखेगा कि किस तरीके से विंग एक प्यार के लिए, वो भी किसी और के प्यार के लिए नहीं बल्कि एक छोटे से बच्चे को अडॉप्ट करने की वजह से कैसे स्ट्रगल करता है और कैसे उसी प्रोसेस में उसे अपनी लाइफ में एक ऐसा प्यार मिल जाता है जो वो काफ़ी समय पहले खो चुका था। चलिए ज़्यादा स्टोरी के बारे में तो आप जब सुनेंगे आपको तभी समझ में आएगा, लेकिन अभी मैं आपको इतना ही बताऊंगी। इस फैन फिक्शन में विंग आयुएन को अडॉप्ट करना चाहता है, लेकिन वो नहीं कर पा रहा है। और आप उसे अडॉप्शन के कारण उसे क्या क्या करना पड़ता है वो इस फैन फिक्शन में आपको सुनने के लिए मिलेगा। चलिए पार्ट स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर वी वुशान जिन्स हॉस्पिटल के सबसे फेमस डॉक्टर्स में से एक है। कहने के लिए वो काफ़ी यंग है, अभी एक 30 ईयर ओल्ड डॉक्टर है, लेकिन उसके बावजूद उनके जिस तरीके से मेडिकल उन्हें नॉलेज है, जिस तरीके से वो पेशेंट्स को डील करते हैं, वो पूरी चाइना में फेमस है। अधिकतर इस जिन हॉस्पिटल में भी पेशेंट उन्हीं के कारण आते हैं। यही कारण है कि आज जिन जुशान बहुत गुस्सा है। जिन जुशान जिस हॉस्पिटल का ओनर है, MD है, वो अपने सारे सीनियर्स डॉक्टर्स को बुला के उन पर चीख रहा है, चिल्ला रहा है, इधर उधर सामान फेंक रहा है। इतना ही नहीं, उसने यहाँ पे वी हुशान के बेस्ट फ्रेंड नी हुसैन को भी बुलाया है। डॉक्टर नी हुसैन वी हुशान के कलीग और बेस्ट फ्रेंड है, ये बात इस हॉस्पिटल का हर पर्सन जानता है। डॉक्टर नी हुसैन को यहाँ बुला के जिन गुआनशान गुस्से में उनसे पूछ रहे हैं क्या हुआ है, क्या कारण है कि वी हुशान जिन हॉस्पिटल छोड़ने जा रहे हैं। आप तुम्हें पता है कि क्यों उसने रेजिग्नेशन दिया? तुम अच्छे से जानते हो मैं उसे इस समय सबसे ज़्यादा पे कर रहा हूँ। उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले, उससे ज़्यादा हाई पोजीशन वाले डॉक्टर्स को भी मैं कभी इतना पे नहीं करता जितना मैं वी हुशान को कर रहा था। लेकिन उसने लास्ट मोमेंट पे ऐसा क्यों किया, मुझे जानना है। इस दिन गुआनशान गुस्सा करते हुए नी हुसैन से पूछ रहे हैं। डॉक्टर नी हुसैन अच्छे से जानते हैं कारण क्या है, लेकिन वो कुछ बोलना नहीं चाहता क्योंकि उसे पता है कि कहीं ना कहीं जिन गुआनशान भी कहीं ना कहीं उस पर्सन से मिला हुआ है जिसके कारण विंग बहुत प्रॉब्लम में फंस चुका है। कोई और नहीं बल्कि जियांग्स फैमिली। जी हाँ, जिन गुआनशान के एक लौते बेटे जिन जुशान का वाइफ की फैमिली है, यानी दयाली की फैमिली है। और वो जानता है कि अगर अभी उसने कुछ भी यहाँ बोला तो इनडायरेक्टली वो जियांग्स फैमिली तक बात पहुँच जाएगी और ख़ासकर उस लेडी के कान तक पहुँच जाएगी जिस लेडी के कारण विंग को ये सब करना पड़ रहा है, जिस लेडी ने विंग की लाइफ को इतना डिस्ट्रॉय कर दिया था जिसके कारण विंग आज इतना स्ट्रगल में है। कहने के लिए विंग वुशान, डॉक्टर वी वुशान चाइना के वन ऑफ द रिचेस्ट डॉक्टर्स में से एक हैं। बड़ी सी लैम्बोर्गिनी उनके पास कार है, सबसे ज़्यादा हम फेमस सोसाइटी में पेंट हाउस है। कहने के लिए डॉक्टर वी वुशान के कपड़े सबसे ज़्यादा ब्रांडेड और सबसे ज़्यादा फेमस ब्रांडेड शॉप से आते हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई नहीं जानता
कि वो पर्सन अंदर से कितना अकेला और कितना पेन में है। शायद हमारे नीमी हुसैन के अलावा नी हुसैन जानते हैं कि विंग की इस रेजिग्नेशन लेटर के कारण क्या है, लेकिन वो सिर्फ इतना बोलते हैं कि मुझे क्लियरली तो नहीं पता, पर शायद वो इस समय कुछ टाइम के लिए ब्रेक लेना चाहते हैं। उन्होंने बोला है ना कि वो जल्दी दोबारा से ज्वाइन करेंगे, वो बस कुछ टाइम के आप ब्रेक ले रहे हैं तो वो ऐसा करेंगे। नीमी हुसैन कोशिश कर रहा है जिन गौनशान का गुस्सा शांत करने के लिए, क्योंकि वो जानता है जिन गौनशान काफ़ी फेमस नाम है चाइना में, और विंग वुशान डायरेक्टली अगर इनसे पंगा लेगा तो मुसीबत में पड़ सकता है। वैसे भी विंग वुशान ने डायरेक्टली जिन गौनशान को बता दिया था कि वो एक छोटी ये रेजिग्नेशन लेटर इसी कुछ टाइम के लिए ही दे रहा है, वो एक साथ दो जगह जॉब नहीं कर सकता, लीगली ये अलाउड नहीं है, और दूसरा वो अभी कुछ टाइम इस हॉस्पिटल में नहीं आना चाहता क्योंकि कहीं ना कहीं ये हॉस्पिटल दूसरे कारणों के कारण भी फेमस है, जैसे बड़ी बड़ी इंश्योरेंस कंपनी के साथ घपला करके वो लोगों को लूटना, बहुत सारे मतलब एक तरह से ऑर्गन ट्रैफिकिंग में भी इनका नाम आया है, तो उसी के कारण विंग को काफ़ी कुछ सफ़र भी करना पड़ा है जो इतने मुँह पे तो नहीं बोल सकता, लेकिन इस हॉस्पिटल में अब वो ज़्यादा टाइम तक रह भी नहीं सकता। अपने वो अपनी लाइफ के लिए एक बहुत बड़ा डिसीजन लेने वाला है और उस डिसीजन के लिए उसका इस हॉस्पिटल से दूर रहना ही सही है, वो ये भी जानता है। वो डिसीजन है एक एडॉप्शन का, विंग एक छोटे से बेबी को एडॉप्ट करना चाहता है जिसका नाम वैन आयुएन है। वैन आयुएन को विंग आज से 6 महीने पहले मिला था जब वैन आयुएन की ग्रैंड मदर का यहाँ पे ट्रीटमेंट होना स्टार्ट हुआ था। वो एक चैरिटी केस थी, यानी जब हॉस्पिटल्स में कुछ एनजीओ चैरिटी एज अ चैरिटी कुछ पेशेंट्स को एडमिट करवाते हैं, उनमें से एक ही थी वैन आयुएन की ग्रैनी, यानी ग्रैनी वैन, ग्रैनी ग्रैंड मदर वैन जिसे भी कहते हैं। वो यहाँ पे किसी सोर्स के थ्रू आई थी, वो सोर्स क्या थी वो तो विंग को नहीं पता, लेकिन शुरुआत में विंग ने काफ़ी टाइम तक उनका ध्यान रखा था, उन्हें एक काफ़ी भयंकर हार्ट डिसीजेस थे। कोशिश तो विंग ने बहुत की थी कि वो उनकी उस मतलब बीमारी को क्योर कर सके, लेकिन वो फेल हो गया और ग्रैनी वैन की डेथ हो गई। इस 6 महीने में वो यहाँ पे पूरे टाइम हॉस्पिटल में रहती थी। आयुएन भी इसी हॉस्पिटल के एक डे केयर सेंटर या एक तरीके से कैसे ना नर्सरी टाइप में ही रहता था, वो पूरा टाइम यहीं पे रहता था और रात में अपनी ग्रैनी के पास ही सोया करता था। उसकी कोई और फैमिली नहीं थी, विंग को ये कुछ समय में ही समझ आ गया था। उस कुछ समय में वे आयुएन से बहुत ज़्यादा अटैच हो गया था, वो प्यारा सा मासूम सा 5 साल का आयुएन विंग के बहुत ज़्यादा क्लोज हो गया था। वो बच्चा बोलता तो कम था, लेकिन उसके बावजूद भी विंग उसे अपनी लिटिल रेडिश बोल बोल के हमेशा उसे अपने पास रखता था। आयुएन भी पूरा दिन विंग के साथ ही रहना पसंद करता था। ग्रैनी को भी विंग और आयुएन का साथ में रहना बहुत अच्छा लगता था। विंग ने जैसे ही ग्रैनी वैन की डेथ हुई तो आयुएन को अडॉप्ट करने की इच्छा भी जाहिर की थी। वैसे तो ये बात उसने ग्रैनी वैन को उनकी डेथ से पहले ही बता दी थी, और ग्रैनी वैन खुश भी थी। कहीं ना कहीं वो अपनी लाइफ एंड होते समय आयुएन को विंग के पास ही सौंप के गई, जिससे विंग काफ़ी खुश भी था। विंग कहने के लिए काफ़ी फेमस है, काफ़ी रिच है, लेकिन मन से वो बहुत ज़्यादा अकेला है, उसके पास कोई फैमिली नहीं है। वो छोटा सा था जब उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई, उसके बाद कई साल तक वो फॉस्टर फैमिलीज के साथ रहा, एक घर से दूसरे घर शिफ्ट होता रहा। एंड में उसे एक अडॉप्ट फैमिली ने अडॉप्ट कर दिया जिनका नाम जियांग्स था। जियांग फैमिया उसके पेरेंट्स को जानते थे, यही बात बोल के उसे अडॉप्ट किया था, लेकिन विंग की लाइफ वहाँ पे कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी। खासकर मैडम यू विंग को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, और ऊपर से विंग का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग जो बहुत तेज था, कहीं ना कहीं हर चीज़ में विंग सबसे टॉप पे रहता था। म्यूज़िक हो, डांस हो, एजुकेशन हो, हर चीज़ में विंग के मार्क्स सबसे ज़्यादा रहते थे, और कहीं ना कहीं इसी चीज़ से मैडम यू जला करती थी, क्योंकि उनका बेटा जियांगचा इतना अच्छा नहीं था। जियांगचा के अच्छे ना होने का सारा गुस्सा भी वो मैडम यू कहीं ना कहीं विंग पे उतारती थी। 18 साल तक विंग ने ये सब सहा, लेकिन आखिरकार जब वो अपने ऊपर या ये कह दीजिए उस जाति को बर्दाश्त ना कर पाया जो जाति उसके साथ मैडम यू करती थी, बिना बात के उसे घंटों तक पनिश करना, जान पूछ के उसे घर के काम में ही उलझाए रखना,
जिससे वो पढ़ ना सके, ध्यान पूछ के उसे ऐसी ऐसी हार्श पनिशमेंट देना जिसके कारण उसके हाथ पैरों पर चोट लग जाती थी, वो एग्ज़ाम में लिख ना पाए, ऐसी हर चीज़ें उसके साथ करती थी। तो विंग ने अपनी 18 साल की उम्र में वो जियांग्स का घर छोड़ दिया था। विंग को जियांग फैमिली से प्यार तो था, खासकर अपने भाई बहनों से यानी यानली और जंचा से, लेकिन उसके अलावा वो अपने अंकल से बहुत नाराज़ था। उसे लगता था वो फास्टर फैमिली ज़्यादा अच्छी थी, कम से कम वो लोग जैसे थे वैसे ही दिखते तो थे, वहीं ये तो जैन फैमिली उसकी लाइफ को और बर्बाद कर दिया। वो यहाँ पे उसे अपना बना के लाए लेकिन कभी उसके लिए स्टैंड ना ले सके, इस चीज़ का भी विंग को गुस्सा था, इसलिए विंग 18 साल की यंग एज में छोड़ के निकल गया इस जियांग फैमिली को, इस बड़े से चाइना में जहाँ वो बिल्कुल अकेला था, किसी को नहीं जानता था, लेकिन उसके बावजूद पार्ट टाइम जॉब करके और पढ़ाई करते करते वो इस लेवल तक आया। उसने सबसे अच्छे एक तरीके से मेडिकल स्कूल में या इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया। उसके स्कॉलरशिप के बाद भी बहुत ज़्यादा अमाउंट देना था क्योंकि जितना बड़ा कॉलेज होता है उतने ही बड़े उनके हॉस्टल्स और बाकी खर्चे होते हैं। विंग ने उस समय एजुकेशन लोन लिया था। विंग की परसेंटेज मार्क्स को देखकर और बैंक ने भी उसे लोन दे दिया था, लेकिन आप सबको आइडिया होगा एजुकेशन लोन का इंटरेस्ट कितना ज़्यादा होता है। विंग का लोन इतना बड़ा हो गया था कि वो जब ग्रेजुएट हुआ तो उसके दिमाग में सबसे पहले जो चीज़ आई वो था अपना लोन उतारना। ना चाहते हुए भी वो उस समय एक तरह से ना गवर्नमेंट ऑफ हॉस्पिटल्स या किसी और हॉस्पिटल्स में जहाँ पे उसे ऑफर्स भी आ रहे थे वहाँ पे ना ज्वाइन करके उसने इस जिन हॉस्पिटल को ज्वाइन किया, क्योंकि सबसे बड़ा जो अमाउंट उसे मिल रहा था वो जिन हॉस्पिटल से मिल रहा था। उसने एक साल के अंदर ही अपना सारा लोन उतार दिया था, अपना एजुकेशन लोन ख़त्म कर दिया था, लेकिन उसके बाद वो इसी हॉस्पिटल में फंसा रह गया क्योंकि जिन गौनशान की उतना फेमस नाम था कि उसे पता था कि किसी और हॉस्पिटल में उसे, इन शॉर्ट कोई और हॉस्पिटल में शायद उसे वो पोजीशन मिले ही नहीं रही थी। कोई और हॉस्पिटल उसे एक तरीके से पोजीशन होने के बाद भी उसे हायर ही नहीं कर रहा था, इसी कारण विंग तब से इस जिन हॉस्पिटल में ही जॉब कर रहा था। विंग यहाँ पे अच्छे से पेशेंट्स को हैंडल भी कर रहा था तो उसे कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी, उसने बहुत अच्छा अमाउंट जोड़ भी लिया था। लेकिन प्रॉब्लम उसके सामने तब आई जब विंग अपनी एडॉप्शन के लिए यानी आयुन के एडॉप्शन के लिए जब चाइल्ड वेलफेयर सेंटर पहुंचा, वहां का जाके उसे पता चला कि उसे एक तरह से आयुन की कस्टडी नहीं मिल सकती, वो आयुन का अडॉप्ट नहीं कर सकता, जिसे विंग काफ़ी शॉक भी हुआ क्योंकि उसे लगा था उसके पास एक अच्छा घर है, खूब अच्छी जॉब है, गाड़ी है, घर सब कुछ तो है, तो फिर क्यों वो आयुन को हायर नहीं कर सकते, जिससे चाइल्ड वेलफेयर पे उसकी ही क्या एक दोस्त जो जॉब करता था जिसका नाम वैनिंग था, उसने विंग को बताया कि कहीं ना कहीं पता चला उसका कारण था विंग का कोई भी सोशल वेलफेयर ना करना। सोशल एक तरह से चैरिटी या कंट्री एक स्कोर होता है जो विंग नहीं कर पाया। विंग ने जब उसके बारे में जानने की कोशिश की तो वैनिंग ने उसे क्लियरली समझाया कि हाँ एज चाइल्ड वेलफेयर वो किसी भी इंसान को ऐसे ही बीवी नहीं दे सकते। विंग ने बताया कि उसका वो ऑफन है, उसकी कोई फैमिली नहीं है। तो विंग का सबसे पहले जो चीज़ का ऑब्जर्व हुई वो ये हुई कि विंग कितना ज़्यादा लोगों के लिए सोसाइटी के लिए कुछ कर रहा है, उसके सोसाइटीज़ में के लिए क्या उसने गुडविल कुछ कर बनाई है या नहीं बनाई है, जिससे विंग के पास शायद उसके बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो उसके लिए वो एक लेटर लिख सकते हैं एक सपोर्ट के लिए या अप्रिशिएशन वाला लेटर, जिसे चाइल्ड वेलफेयर शायद एक्सेप्ट भी कर ले, लेकिन उससे भी शायद श्योर नहीं है कि उसे आयुएन मिले, जिसे विंग ने उसे पूछा था कि उसे क्या करना चाहिए, जिसमें वैनिंग ने उसे बताया सबसे पहले तो ये हॉस्पिटल छोड़ना चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिस इस हॉस्पिटल को अपनी हिट लिस्ट या अपनी ब्लैक लिस्ट हॉस्पिटल्स में डाल चुके हैं, और एज अ गवर्नमेंट बॉडी क्योंकि वो चाइल्ड वेलफेयर गवर्नमेंट के अंडर आता है ना, तो कोई भी डॉक्टर जो उस पर्टिकुलर हॉस्पिटल में काम करता होगा उसे तो गवर्नमेंट के लोग जल्दी से बच्चे अडॉप्शन के लिए नहीं देंगे, इसी कारण अगर तुम किसी और जगह और जॉब करो तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। इसी कारण विंग ने ये मतलब एक तरह से जिन हॉस्पिटल छोड़ दिया है। उसके बाद इस हॉस्पिटल को छोड़ने के बाद वो अब वैनिंग से मिलने स्पेशली गया है, जहाँ एक तरफ विंग के अंदर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है हर हालत में एक तरह से वैन आयुएन को अडॉप्ट करने की, वहीं दूसरी तरफ
नहीं हुसैन, बहुत परेशान है विंग के यहाँ से जाने के बाद। अभी तो बात संभाल चुका है नहीं हुसैन, यही बोल के कि विंग को छुट्टी लेके जा रहा है, लेकिन उसे पता है कि जल्दी विंग को ही सब कुछ ठीक करना होगा। अगर विंग जल्दी कुछ ना कर पाया तो उसका यह जॉब भी चली जाएगी और आईवन पता नहीं उसे मिले या ना मिले। इसलिए वो यहाँ से बाहर निकलते ही विंग को कॉल करता है। जब विंग फ़ोन उठाता है और बताता है कि वो भी डायरेक्ट इस समय वेनिंग से मिलने चाइल्ड वेलफेयर सेंटर ही जा रहा है। वो विंग से मतलब वेनिंग से वहाँ मिलकर विंग क्लियरली बताएगा कि अब वो आगे क्या करेगा। नीम हुसैन उसे सपोर्ट करते हुए उसे इंकरेज करते हैं, तुम चिंता मत करो, तुम्हें आईवन ज़रूर मिलेगा। आईवन को जिस तरीके से तुम प्यार करते हो ये चीज़ वेनिंग ने शायद ऑब्जर्व करी है, इसलिए वो अब इस तरीके से तुम्हारी मदद कर रहे हैं। और आईवन भी तुम्हें बहुत प्यार करता है, तुम उसके शहनगाह हो और उसके शहनगाह को हिम्मत नहीं हारनी, उसके शहनगाह को हर हालत में अपना 100% देना है। ये बात सुनने के बाद हमारा विंग के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और बोलता है यह वो ऐसा ही करेगा। अब वो ये बात बोलने के बाद फ़ोन कट करके अपनी गाड़ी को, अपनी वो स्टाइलिश इतनी फेमस अपनी लैम्बोर्गिनी को जाके उस चाइल्ड वेलफेयर सेंटर के सामने पार्क करके अपने बड़े बड़े कदमों से अपने उस दोस्त से मिलने जा रहा है। विंग जब इस कार से उतरता है तो आसपास के लोगों की नज़र विंग से हटती नहीं है। एक स्मार्ट दमदार पर्सनैलिटी, इतना हैंडसम और अट्रैक्टिव एक पर्सन ऐसे उनकी आंखों के आगे आ रहा है तो उनकी नज़र कैसे हट सकती है। विंग सचमुच में बहुत ज़्यादा खुद को मेंटेन करके बहुत स्मार्टली खुद को कैरी करता है। आज भी उसने डार्क ब्लू कलर की एक शर्ट डाली हुई है और वैसे ही उसने ब्लैक कलर के एक कोट उसके ऊपर डाला हुआ है। ये डार्क ब्लू और ब्लैक का कॉम्बिनेशन में भी विंग बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। विंग ग्लासेस लगाता है क्योंकि वो डॉक्टर है और उसके चेहरे पे ये ग्लासेस सूट भी बहुत करते हैं। वो इन्हीं ग्लासेस के साथ एंटर करता है और वेनिंग से मिलने जाता है। वेनिंग भी विंग को देख के काफ़ी खुश होता है। अब विंग स्माइल करते हुए वेनिंग के सामने बैठता है और बोलता है, वेनिंग जैसा तुमने मुझसे कहा था मैंने कर दिया, आज मेरा रेजिग्नेशन लेटर भी एक्सेप्ट हो गया है। अब मैं जिन हॉस्पिटल से पूरी तरह से कट चुका हूँ, मेरा अब जिन हॉस्पिटल से कोई लेना देना नहीं है। आप प्लीज़ मुझे जल्द से जल्द बताओ मुझे अगला क्या स्टेप करना पड़ेगा। तुमने मुझसे कहा था कि मैं तुम मेरी मदद करोगे, प्लीज़ मैं तुम्हारी मदद की वैसे भी रिक्वायरमेंट है, तुम अच्छे से जानते हो। मैं आईवन को किसी भी फॉस्टर फैमिली या एक अनाथ आश्रम में नहीं ज़्यादा दिन रखना चाहता, मैं जल्द से जल्द आईवन को अडॉप्ट करना चाहता हूँ। विंग के अंदर ये हड़बड़ी इस कारण भी है कि विंग जानता है आईवन बहुत ज़्यादा क्यूट है, उसे कोई भी एक बार में देखे तो उससे प्यार कर सकता है। विंग को डर है कि वो जल्द ही अगर ऑफिन में पहुंच गया तो ऑफिन में कहीं उसे सबसे पहले ही अडॉप्ट ना करके ले जाए, विंग से पहले कोई और उसे अडॉप्ट ना कर ले। इसलिए विंग के अंदर ये हड़बड़ी है जिसे वेनिंग भी समझते हुए बोलता है, तो ठीक है अगर तुम इतना सीरियस हो तो मैं तुम्हारे पूरी मदद करूँगा, मैंने तुम्हारे लिए कुछ सोचा है। तुम अच्छे से जानते हो कि तुम्हारे लिए इस समय अपना मतलब सबके बीच में सोशल वेलफेयर का कुछ काम करना ज़रूरी है, इसलिए मैंने तुम्हारी न्यू जॉब एक ऐसी ही डिपार्टमेंट में करी है। कौन सा डिपार्टमेंट? गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट। अगर तुम गवर्नमेंट के अंडर में जॉब करोगे तो ऑब्वियसली तुम्हारे पास गवर्नमेंट ऑफिसर्स के रेफरेंस होंगे और वो तुम्हारी बहुत हेल्प करेंगे। एक तरीके से तुम खुद सोच सकते हो कि तुम्हें कितना सपोर्ट मिलेगा। तुम सही कह रहे हो, तो कौन सी हॉस्पिटल में तुमने मुझे सोचा है? मैं उसी हॉस्पिटल में जाकर आज ही से जॉब स्टार्ट कर दूंगा, प्लीज़ मुझे जल्दी बताओ, मैं आज ही अपने रिज्यूमे उस हॉस्पिटल में ले जाऊंगा। उसकी ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा रिज्यूमे और सब कुछ मैं कर चुका हूँ, तुम मेरे दोस्त भी हो इसलिए मैंने तुम्हारा ये काम कर चुका हूँ। और तुम्हें जान के खुशी भी होगी कि तुम नेक्स्ट वीक से ज्वाइन भी कर सकते हो। वेरी गुड, तो बताओ कहाँ जाना है मुझे? तुम्हें शंघाई पुलिस हेडक्वार्टर में ज्वाइन करना है। इस बात से भी बड़ी बड़ी आंखों से वेनिंग की तरफ देखता है। पहली चीज़ वो पुलिस हेडक्वार्टर में क्यों ज्वाइन करेगा, और दूसरी चीज़ शंघाई, वो हर हालत में शंघाई नहीं जाना चाहता क्योंकि शंघाई उसकी पुरानी सिटी है। हाँ, विंग ने अपना सारा बचपन अपनी 18 साल की एज वहीं स्पेंड करी है। जियांग्स फैमिली वहाँ रहती है और कोई और भी वहाँ रहते हैं जिसे विंग शायद देखना नहीं चाहता, इसलिए विंग वेनिंग से डायरेक्ट बोलता है, तुमने मुझे पुलिस हेडक्वार्टर में ज्वाइन किया? शौक मत हो, तुम कोई पुलिस ऑफिसर वाली ड्यूटी नहीं करोगे,
तुम डॉक्टर हो और डॉक्टर वाली ही ड्यूटी करोगे। मैंने तुम्हें फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में डाला है, जो शंघाई हेडक्वार्टर में रिक्वायरमेंट थी। मेरी सिस्टर डॉक्टर वेंचिंग वहाँ पे जॉब करती थी। मेरी सिस्टर इस समय एक्सपेक्ट कर रही है, और वो अपने उसके कुछ ही समय में मैटरनिटी लीव पे जाएगी, और तुम उसकी पोजीशन पे वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो जब तक मेरी सिस्टर वहाँ वापस ज्वाइन नहीं करती। उस मेरी सिस्टर ने सब कुछ ज्वाइन तुम्हारी ज्वाइनिंग्स और सारी बातें कर ली हैं। तुम्हें कुछ समय के लिए ही वहाँ जॉब करनी पड़ेगी जब तक मेरी सिस्टर वापस ज्वाइन नहीं करती। इस बीच में तुम्हारे एक तरीके से जॉब को देखकर बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स से तुम्हें मैं लेटर दिलवा भी सकता हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हारा काम कितना अच्छा है, आराम से तुम्हें वहाँ पे अप्रिशिएशन मिल जाएगा। वहीं में अब एकदम से घबराते बोलते हैं, ऐसा नहीं हो पाएगा वैनिंग, मैं कोई फॉरेंसिक टीम के साथ जॉब नहीं कर सकता। मैंने इस टाइप की जॉब नहीं करी है, और मुझे आइडिया भी नहीं है कैसे जॉब करते हैं ऐसी जगह पे। मैं कोई ऐसा डॉक्टर नहीं हूँ। वहीं थोड़ा क्लियरली होता अपनी बात रखता है। उसके अंदर वहाँ ना जाने के दो बड़े कारण हैं, जो वो भी वैनिंग को नहीं बता रहा, लेकिन वो वहाँ नहीं जाना चाहता, इसलिए वो ऐसा बोलता है। इस बात पे वैनिंग थोड़ा परेशान होते हुए विंग की तरफ देखता है और बोलता है, फिर तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। तुम खुद सोचो, इतनी जल्दी तुम्हें कहाँ से कोई गवर्नमेंट ऑफिसर या गवर्नमेंट पोजी का एक तरह से सोसाइटी या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जॉब मिलेगी। तुम अच्छे से जानते हो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए वो कितनी मेहनत करते हैं। ये जॉब भी कोई परमानेंट जॉब नहीं दिलवा रहा मैं तुम्हें, एक तरीके से एज अ रिप्लेसमेंट ही तुम्हें जॉब मिल रही है, जो कि एक कॉन्ट्रेक्चुअल है। जब तक मेरी सिस्टर वहाँ दोबारा ज्वाइन नहीं करती, उसके बाद हो सकता है कि तुम वापस जैसे चाहे वैसे रह सकते हो। तुम्हें इस समय इस जॉब की ज़रूरत है, अपने स्कोर सुधारने की ज़रूरत है, एक गवर्नमेंट ऑफिसर्स के एक तरीके से रेफरेंस लेटर्स की ज़रूरत है, और वो सब तुम्हें इस जॉब से मिल सकता है। तुम अच्छे से जानते हो तुम पे ज़्यादा टाइम नहीं है। अगर तुम डिले करोगे और इस बीच में कहीं आईवीएन कहीं को किसी और ने अडॉप्ट कर लिया, तो तुम और मैं कुछ भी नहीं कर सकेंगे। इस बात पे भी अब थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है। भी अपनी सोच में ही था, सोच रहा था वो ये ज्वाइन करे या ना करे, तभी उनके डोर का गेट खुलता है, यानी उनके रूम का डोर का गेट खुलता है, जिसमें गेट डोर पे हमारा प्यारा सा आईवीएन खड़ा है। बीन की तरफ देखा है, अपनी स्माइल देते हैं। उसके हाथ में इस समय भी वो रेडिश का सॉफ्ट टॉय है, जो विंग उसके लिए लेके आया था। अपने टॉय को एक हाथ में पकड़े हुए 5 साल का आयन स्माइल करता हुआ शानगा करके दौड़ के विंग को गले लगा लेता है। विंग के पैरों को ऐसे गले लगा के वो अपनी बड़ी बड़ी नज़रों से विंग को देख रहा है। विंग अब उसे अपने पैरों से हटा के अपने गले लगा लेता है और प्यार से उसके माथे को किस करता है। विंग जो अभी सोच रहा था वो शंघाई जाए या ना जाए, उसके दिमाग में वो चीज़ दूर हो जाती है। इस बच्चे की इन आँखों को देख के विंग डिसाइड करता है वो ज़रूर जाएगा। क्या हुआ उसे अपने पास्ट को देखना पड़ेगा, क्या हुआ उसे वो सब कुछ जो पीछे छोड़ के आया था उसे फेस करना पड़ेगा, लेकिन वो वहाँ जाएगा। कुछ ही टाइम की बात है ना, और क्या पता उसे जैसा वो सोच रहा है वैसा ना हो। शंघाई इतनी बड़ी सिटी है, कितने सारे लोग वहाँ रहते हैं जिन लोगों को विंग नहीं मिलना चाहता। क्या पता विंग उनसे कभी टकराए ही ना। वो यही सोच के ठीक है बोलकर अग्री हो जाता है। इस बात पे वैनिंग बहुत खुश होता है। विंग से आयन के साथ पूरा दिन खेलता है। आज वो पूरा दिन आयन के साथ टाइम स्पेंड करता है, क्योंकि वो जानता है कि उसे कल या परसों में सब चीज़ें पैक करके शंघाई के लिए निकलना है। उससे पहले उसे वहाँ के भी तैयारी करनी है। विंग ये बात जब नी हुसैन को बताता है, तो नी हुसैन उसे बताता है कि उसके ब्रदर यानी उसके बड़े भाई नी मिंजे भी शंघाई पुलिस हेडक्वार्टर में ही जॉब करते हैं, और वो उसके रहने की और सारी तैयारी कर देंगे। जिस बात पे विंग को थोड़ा शौक लगता है, क्योंकि कभी नी हुसैन ने उसे ये बात बताई ही नहीं थी। अधिकतर नी हुसैन ने ये तो बताया था कि उसके दगा बहुत स्ट्रिक्ट है, वो अपने दगा से डरता है, लेकिन उसके दगा क्या जॉब करते हैं, कहाँ रहते हैं, ये बात नी हुसैन ने विंग को नहीं बताई थी। विंग को लगता था नी हुसैन यही बीजिंग का रहने वाला है। नी हुसैन वो यही सोचता था, लेकिन अब उसे पता चलता है कि नी हुसैन बीजिंग का नहीं बल्कि शंघाई का ही रहने वाला था, तो विंग को थोड़ा शौक लगता है। पर उसे मन में और तसल्ली हो जाती है। उसे लगता है जब वो इतने साल तक शंघाई रहा तब भी कभी नी हुसैन से नहीं मिल पाया, तो ऐसे ही अब वो उन लोगों से नहीं मिल पाएगा। वो भी मतलब शंघाई से के में उसके भाई यानी नी मिंजे से फ़ोन पे बात भी करता है, जिसे नी मिंजे उसे बताते हैं कि उसके इसे और रेज्यूमे और इसके बारे में वो जानते थे।
और वो काफ़ी खुश हैं कि वो यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी विंग के बारे में काफ़ी कुछ पता है। विंग काफ़ी फेमस डॉक्टर था, एक तरीके से वो सेलिब्रिटी डॉक्टर था। काफ़ी सारे न्यूज़पेपर्स में और उसके फ़ोटोज़ आते थे, कई बार वो ऑनलाइन जो एक तरीके से टॉक शोज़ होते हैं उसमें एज अ एक्सपर्ट भी जाकर बातें करता था, इंटरव्यूज देता था। तो विंग को काफ़ी लोग पहचानते हैं, विंग ये चीज़ सुन के काफ़ी खुश होता है। यहाँ तक कि डिमेंजो से बता भी देते हैं कि जहाँ पे अभी हेडक्वार्टर के बाकी लोग रह रहे हैं, जिस बिल्डिंग में बाकी सारे पुलिस ऑफिसर्स अभी रहते हैं, उसी में उन्होंने उसके लिए एक रूम भी एक तरीके से रेंट के लिए बोल दिया है, जिसे विंग बहुत खुश हो जाता है और इस बात के लिए अग्री भी हो जाता है। उसे लगता है अच्छा है वो हेडक्वार्टर के पास ही रहे, वो वहीं उसी बिल्डिंग में रहे, क्योंकि वो नहीं जाना चाहता उस एरिया में जहाँ वो पहले रहता था। कुछ लोगों को अवॉइड करने के मारे वो खुश है। वो अपने मन में जितनी टेंशन में था कि वो शंघाई जा रहा है, उसकी वो टेंशन एक तरीके से पूरी तरह से दूर हो जाती है। अब वो खुशी से अपना सारा सामान जो उसकी रिक्वायरमेंट वाला है वो पैक करके अपनी गाड़ी में बैठ के आज शंघाई के लिए निकल रहा है, इसी उम्मीद से कि वो वहाँ जाकर अब अपने एक न्यू स्टार्ट करेगा। शायद कुछ समय में जो शंघाई जा रहा है यही सोच के जा रहा है कि वो वहाँ इस कुछ समय को बिता के वो वापस आ जाएगा यहीं इसी सिटी में, बिना ये सोचे कि ऐसा अब तो नहीं हो पाएगा। अब शायद विंग का यहाँ वापस आना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि अब जहाँ विंग जा रहा है वहाँ कोई है जो विंग को वापस अब दोबारा से बीजिंग सिटी तो वापस नहीं आने देगा। अब विंग एक तरीके से हमेशा के लिए इस बीजिंग सिटी को अलविदा कर रहा है, उसे पता नहीं है, क्योंकि उसे तो यही लग रहा है कि वो कुछ समय के लिए जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ विंग से बात करने के बाद निमेंजे फ़ोन रख के अपने सामने बैठे हुए पर्सन को देखते हैं और बोलते हैं तुमने मुझे ये रेज्यूमे एक्सेप्ट किया था ना, और तुमने ही विंग वोशान को हायर किया है, तो तुमने क्यों नहीं बात की वोशान से जब मैंने कहा कि मैं उसे जानता हूँ, तो तुमने मुझे इशारे में उसके तुम्हारे बारे में बताने से मना क्यों करा। इस बात पे निमेंजे के सामने बैठा हुआ वो पर्सन अपने चेहरे पे बड़ी सी स्माइल देता है, एकदम से बोलता है क्योंकि अगर वो मेरा नाम सुन लेता तो शायद यहाँ नहीं आता, और हमें इस समय इस डॉक्टर की ज़रूरत है। क्यों क्यों नहीं आता वो यहाँ पे, तुमसे तो सब लोग पसंद करते हैं, एक तरीके से तुम तो सबके फेवरेट हो, तो वो तुम्हारा नाम सुन के क्यों नहीं आता। क्या बात है, हमारे पुलिस ऑफिसर शिचैन से भी कोई डर सकता है, मुझे तो आज ही पता चला। निमेंजे अपने बेस्ट फ्रेंड शिचैन की तरफ देखते हुए स्माइल करते हुए बोलते हैं। इस बात पे शिचैन स्माइल करते हुए मतलब निमेंजे की तरफ देखते हैं और बोलते हैं वो मुझसे डरता नहीं है, बस वो मुझे जानता है, और जब वो ये जानता कि मैं भी यहाँ जॉब करता हूँ तो हो सकता है वो थोड़ा घबरा जाता। क्यों, क्या वो कोई चोर है जो तुमसे घबरा जाता? चोर तो वो है, और उसने ऐसी चीज़ को चोरी किया था जिसकी उसे सज़ा मिली अभी बाकी है, लेकिन उसे सज़ा तुम या मैं या हमारा हेड पुलिस ऑफिसर्स नहीं बल्कि कोई और ही देगा। ये तुम क्या घूमने वाली बातें कर रहे हो, ऐसा लग रहा है जब तुम मेरे साथ कोई पहेली क्या कंपटीशन कर रहे हो, मुझे तुम्हारी कोई बात समझ नहीं आ रही। क्यों तुम एक चोर को यहाँ लाना चाहते हो, अगर वो चोर है तो डॉक्टर कैसे बना, और अगर वो डॉक्टर और चोर दोनों है तो तुम उसे यहाँ क्यों लाना चाहते हो। हम तो उसे अभी अरेस्ट कर सकते हैं, तुम्हें पता है वो मेरे भाई का बेस्ट फ्रेंड है, मुझे तो डर है कहीं मेरा भाई इसके साथ रह के कुछ गलत ना सीख ले। इस बात पे अक्षी चैन जोर जोर से हंसने लगते हैं और बोलते हैं अरे वो वैसा चोर नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो, वो बहुत प्यारा चोर है, इतना प्यारा कि तुम उससे मिलोगे तो तुम्हें भी समझ में आ जाएगा मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ। मतलब मैं वी वुशान को बहुत पहले से जानता हूँ, वी वुशान हमारा नेबर था, और इससे ज़्यादा वो मेरे भाई का एक लौता बेस्ट फ्रेंड था। क्या लांग वांगजी का भी कोई दोस्त था? मुझे तो यकीन नहीं होता, वरना मुझे लगता है लांग वांगजी तो कभी किसी से हाँ हूँ से ज़्यादा बात नहीं कर सकता, वो किसी को दोस्त भी बना सकता था। हाँ वो वी वुशान था मेरे भाई का बेस्ट फ्रेंड, मेरे भाई के सबसे ज़्यादा क्लोज, और जिस बात के गुनहगार है वी वुशान। बनाऊंगा जी का तुम्हें अभी पूरी कहानी मैं कभी बाद में सुनाऊंगा, बस इतना जान लो कि विंग और वांग वांग जी एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। विंग का पार्ट यहीं रुकता है। सो आपको क्या लगता है क्या हुआ था विंग और वांग वांग जी के बीच में, जो मतलब शिचैन इस तरीके से विंग को सज़ा देने की बात कह रहे हैं? उसके लिए आप नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखना, अब आप समझ गए होंगे स्टोरी किस साइड जा रही है और आगे कैसे इस स्टोरी में ट्विस्ट और टर्न आएंगे, उसके लिए आप मेरा पार्ट ज़रूर देखना। आई होप आपको ये फैन फिक्शन अच्छा लगे। कैसा लगा फर्स्ट पार्ट कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।